3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाने में गौकशी का मामला सामने आता है। हिंसा भड़कती है, पत्थरबाजी होती है और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जो हैं शहीद होते हैं। इसे देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 3 दिसंबर 2018 को एक सूचना मिलती है कि एक खेत में गौवंश मिला है। फिर क्या था, भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है, भीड़ का गुस्सा जो है वो भड़क जाता है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जो है वो मौके वारदात पे पहुंचते हैं, लेकिन भीड़ जो थी वो बेकाबू होती नजर आती है। उसके बाद भीड़ में लोग और जुड़ते हैं और कम से कम 300 से 400 लोग जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली में आकर उस भीड़ का साथ देने लगते हैं। उस भीड़ में पत्थरबाज भी हैं, उस भीड़ में गालीबाज भी थे। उस भीड़ ने जो थी हर हदें पार कर दी थी। भीड़ को बेकाबू देख पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन भीड़ जो थी वो काबू में आने वाली नहीं थी। भीड़ ने पत्थरबाजी जारी रखी। इसको देखते हुए मजबूरन पुलिस ने जो है वो हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग में एक लड़का उस वक्त मारा गया था जिसके सीने पे गोली लगी थी, वो लड़का जिसका नाम था सुमित कुमार। आज उसके परिवार ने उसकी मूर्ति जो है वो अपने घर के परिसर में लगाई है और उसको शहीद का दर्जा दिया है। सुमित कुमार के परिवार का कहना यह था कि सुमित कुमार का इस केस से, इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने दोस्त को छोड़कर निकल रहा था मौके वारदात वाली जगह से जहां पर हिंसा हो रही थी और वो पुलिस की गोली से मारा गया। सुमित के घर वालों की डिमांड ये थी कि उसको मुआवजा दिया जाए। जितना मुआवजा सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को दिया गया है, उतना ही मुआवजा जो है वो सुमित कुमार को भी दिया गया है। हालांकि इनिशियली रिपोर्ट में सुमित कुमार का नाम एफआईआर में था, परिवार ने कहा था कि इसका नाम जो है एफआईआर से हटाया जाए क्योंकि हिंसा के वक्त ये नहीं था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया सुमित के परिवार को। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है, एक वीडियो जारी होता है। उस वीडियो में सफेद टी शर्ट और खाकी पैंट में एक लड़का है जो कि सुमित कुमार बताया जा रहा है, उसके हाथ में भी पत्थर है। उसी वीडियो के एंड में हम देखते हैं, ये वीडियो 3 मिनट 17 सेकेंड का है, कि इस लड़के के सीने से खून निकल रहा है, लोगों की आवाज़ आ रही है, गोली मार दी, गोली मार दी, लोगों की गालियों की आवाज़ आ रही है और लोगों के शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। इस वीडियो को आधार बनाकर जो मुआवजा मिलना चाहिए था सुमित कुमार को, वो मुआवजा है वो रद्द कर दिया गया। सुमित कुमार के परिवार का कहना है कि हमारे लड़के को गलत फंसाया जा, हिंसा वाली जगह पर हमारा लड़का नहीं था। लेकिन इस वीडियो जारी करने के बाद जो है वो कहानी बिल्कुल उलट हो गई। हम आपको बता दें कि सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भी जो हैं वो इस हिंसा में शहीद हुए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके सर पे गोली लगी है, लेकिन गोली लगने से पहले जो है उनको पीटा गया। हम आपको ये भी बता दें कि जब सुबोध कुमार के गोली लगी थी उनके कार में जो है वो अस्पताल लेके जाया जा रहा था, लेकिन भीड़ ने उनको जाने नहीं दिया। भीड़ ने जो है उनकी गाड़ी पर जो है वो जमकर पथराव किया। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की जो थी वो मौत हो गई थी। अब 1 साल होने को आ रहा है इस घटना को। सुमित कुमार के परिवार ने जो है वो फिर से मुआवजे की आवाज़ उठाई है। अपने घर के परिसर में उन्होंने जो है वो सुमित कुमार की एक प्रतिमा बनाई है और वीर शहीद गौरक्षक का जो है वो उनको जो है वो टाइटल दिया है। और योगी सरकार से अपील की है कि जितनी धनराशि जो है, जो मुआवजा जो है वो सुमित कुमार को देना चाहिए था वो उसको नहीं मिला। 3 दिसंबर 2019 जो है वो करीब आ रहा है। देखना ये होगा कि जो धमकी है सुमित कुमार का परिवार दे रहा है उसको कहाँ तक रोकने में कामयाब होता है प्रशासन, क्या करता है प्रशासन, योगी सरकार इसमें क्या करती है, ये बड़े सवाल जो हैं। इनके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है, आखिर कब तक गौ रक्षा के नाम पर इंसान का खून बहते रहेगा, आखिर कब तक गौ रक्षा के नाम पर जो है वो लोगों की हत्याएँ होती रहेंगी। ये बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप वीडियो या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।